अस्सलामुअलैकुम। इस पिक्चर में तीन चीज़ें दिए हुए हैं, एक डक है, एक हनी बी है, एक मंकी है। तो इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, इसको पहले आप हल करें, कमेंट्स में आंसर दें और एंड में फिर मेरा आंसर चेक कर लें। तो पहले आप वीडियो को स्टॉप कर लें ताकि आराम से आप इसको इक्वेशन को हल कर लें। तो चले हो, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर वन में जाते हैं, उसमें डक की वैल्यू 4 आती है। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 16, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। अब डक की वैल्यू 4 हम इक्वेशन नंबर टू में लगाते हैं तो इससे आंसर हमारा 36 आता है। तो जो हनी बी है उसकी वैल्यू 3 आ जाती है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 36। इक्वेशन नंबर 3 में हम वैल्यू लगाते हैं तो 3 मंकीज है, 3 मंकीज की वैल्यू 6 आ जाती है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 72। इक्वेशन नंबर 4 में ओनली 1 मंकी है और उसकी वैल्यू आती है 2, क्योंकि 3 मंकीज की वैल्यू है 6 तो 1 मंकी की वैल्यू आ गई 2। अब हम 4 मल्टीप्लाई बाई 3 पहले करेंगे तो वो आता है 12। तो 2 माइनस 12 आंसर आता है -10। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करो ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन आपको मिले।